गुड मॉर्निंग गर्ल्स, वी हैड रीड लेसन नंबर 12 प्रोनाउंस। व्हाट इज द प्रोनाउन? प्रोनाउन इज द वर्ड विच वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस: पर्सनल प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिक प्रोनाउन एंड पजेसिव प्रोनाउन। ओके, वी हैड एक्सप्लेन पर्सनल प्रोनाउन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? प्रोनाउंस दैट पॉइंट्स आउट पीपल और थिंग्स आर नोन एज द डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, ऐसे प्रोनाउन या जो ऐसे वर्ड जो किसी नाउन मतलब किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को शो करते हैं, ऐसे प्रोनाउंस के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस, दैट, दीज एंड दोस। दिस इज माय कार, दैट इज योर कार। Such type of sentences we can keep in this type. Okay, this is a car, these are cars, these and that are singular while these and those are plural. मतलब जो THIS this and THAT that are singular. ठीक है, singular के लिए use करना है हमको, these and those are use करना है हमको plural के लिए। Clear? These and these are used for people or things that are near. जो बिल्कुल हमारे पास की कोई चीज के बारे में हमको बात करनी है तो हम उसके लिए दिस एंड दीज का वर्ड, दीज वर्ड यूज करेंगे। ओके, दैट एंड दोज आर यूज फॉर पीपल आर थिंग्स दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द स्पीकर। ओके, मतलब दैट एंड दोज, दैट फॉर सिंगुलर एंड दोज फॉर प्लूरल। हम उस जैसे कोई चीज के लिए हमको बताना है या किसी व्यक्ति के बारे में बात करना है तो वो अगर दूर खड़ा है या दूर है कोई चीजें तो हम उसके लिए दैट एंड दोस का यूज करेंगे। ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब नाउ यहां पर एग्जांपल दे रखा है, आप उसे और अच्छे से समझेंगे। दिस इज अ कैट, दीज आर नाइस ग्रेप्स बट दे टेस्ट सोर। ओके, लुक दैट इज लवली एक्वेरियम, दोज आर स्मॉल fishes in it. Okay, now I hope you understand very well. We will do it exercise here. Exercise C, fill in the blanks with appropriate demonstrative pronouns. Okay, यहाँ पर fill in the blanks दे रखा है और आगे sentence दे रखा है तो आप उसको देखेंगे कैसे हमको यहाँ पर these भरना है, that भरना है, these भरना है, those भरना है। ठीक है, first is my video game, तो हम यहाँ पे दीज भी लगा सकते हैं और दैट भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज दूर है उसके लिए दैट लगाना है, अगर कोई पास में है तो हम उसको दीज लगाना है। दिस इज माय वीडियो गेम, इज मलिक्स बंगलो, बंगलो को हम दूर से बताएंगे ना तो दैट इज मलिक्स बंगलो। दिस इज अवर क्लासरूम, दीज आर कीज लेइंग ऑन द बेड। अब कीज, कीज क्या है? प्लूरल है तो हम उसके लिए दीज वर्ड लगा रहे हैं। ठीक है, दैट वॉज इनक्रेडिबल, दीज आर हर शूज, कैन यू सी दैट इज अ जायंट येल्लो बोर्ड ओवर देयर, दोज वर नॉट सारास फाइल। ओके, दिस एंड दैट का हमको कैसे यूज करना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। दिस सिंगुलर के लगाना है और दैट, सॉरी, दीज प्लूरल के लिए, दैट जो बिल्कुल थोड़े दूर पे हो वस्तु उसके लिए है और दोज दूर हो लेकिन प्लूरल हो उसके लिए हमको दोज यूज करना है। क्लियर? नाउ वी कम टू द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव से समझ में आता है कि इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं, विच, हू, हुम, डब्ल्यू एच वर्ड जितने भी होते हैं वो सब हमारे सेंटेंस के आगे हमको लगाकर बताना है। प्रोनाउंस दैट आस्क क्वेश्चंस आर नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछने का पता चलता है उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड लाइक हु, whom, whose, which and what are used as interrogative pronouns to ask question. Okay,
हमको ये जो वर्ड है हु हुम विच हुस एंड व्हाट वर्ड यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. विच ऑफ दीज कलर इज योर. हु आस्क्ड फॉर आइसक्रीम. हुम डू यू विश टू मीट. ओके दिस सेंटेंस द वर्ड विच हु सेड एंड हुम हैव बीन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव क्वेश्चंस. क्लियर. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. गिवन बिलो आर सम सेंटेंसेस फ्रॉम क्वेश्चंस यूजिंग द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. अब आपको क्या करना है, यहां एक सेंटेंस दे रखा है और फिर एक ब्रैकेट में ये प्रोनाउन वर्ड दे रखा है. ठीक है, तो आपको यूज करके उसको कंप्लीट करना है. माई पेंसिल इज रेड इन कलर. अब मैंने देखो इसको बनाया है. वॉट इज इन रेड कलर. मेरी पेंसिल रेड कलर की है. तो मतलब क्या है रेड कलर का. वॉट इज इन रेड कलर. तो हम आंसर में बोलेंगे माई पेंसिल. ओके. सुनीता इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्ट. तो सुनीता के लिए हम वर्ड लगाएंगे हु. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्ट और क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट आराधना हैज प्लेस्ड हर इंग्लिश बुक ऑन द टेबल. आराधना ने इंग्लिश बुक टेबल पर रखी है. ठीक है, तो विच बुक हैज आराधना प्लेस्ड ऑन द टेबल. ओके, क्वेश्चन मार्क लगाना कंपल्सरी. नेक्स्ट दीज बैग्स आर माइन. हुज आर दीज बैग्स. ये बैग किसके हैं, ये बैग मेरे हैं. आई थिंक यू क्लियर नाउ अबाउट इंटरोगेटिव प्रोनाउन. नाउ वी गो टू नेक्स्ट प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट रेफर्स बैक द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट अपॉन देमसेल्स आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. They are formed by adding self for single or singular as a reflexive pronouns. Or selves, for example, plural number to the personal pronoun. Okay? Reflexive pronoun are usually used after the verbs or the preposition. अब ये जो reflexive pronoun है इसमें क्या होता है, हम ऐसे word use करते हैं. Herself, himself, माई सेल्फ. ठीक है, तो जो सब्जेक्ट रहता है वो अगर अपने बारे में बात करता है कि ये काम उसने खुद किया है, तो हमको ऐसे सेंटेंस के लिए खुद के लिए उसने किया है, उसने किया है, उन्होंने किया है, तो हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा. जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखो, रानी इज वेरी प्राउड ऑफ हर सेल्फ. रानी को अपने आप पर बहुत घमंड है ना. रानी इज वेरी प्राउड ऑफ हर सेल्फ. ओके, आई पेंटेड माई सेल्फ लाइक अ क्लोन. ठीक है ना, मैंने पेंट किया ये. आई पेंटेड माई सेल्फ, मैंने अपना खुद पेंट किया है. दे पुश्ड देमसेल्फ्स इन द क्राउड. दे के लिए देमसेल्फ हो जाएगा, आई के लिए माई सेल्फ और ही रानी है. अगर रानी क्या है, लड़की है, तो लड़की के लिए हमको शी लगाना होता है. शी के साथ हर प्रोनाउन यूज होता है, तो हर सेल्फ. ठीक है, ही के साथ हिमसेल्फ. ही बेंट हिमसेल्फ टू लिफ्ट द हेवी स्टोन्स. इन द अबोव सेंटेंसेस द डूअर ऑफ द एक्टिविटी इज द डायरेक्ट आर इनडायरेक्ट रिसीवर ऑफ दैट एक्टिविटी. मतलब जो भी करने वाला है वो खुद डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो खुद ही कर रहा है, तो उसलिए हमको ऐसे वर्ड यूज करना पड़ते हैं जिसका हम स्टेप्स यूज करते हैं. हर सेल्फ, हिमसेल्फ. द प्रोनाउन हर सेल्फ, माई सेल्फ, देमसेल्फ एंड हिमसेल्फ व्हेन यूज्ड एज द डायरेक्ट आर इनडायरेक्ट रिसीवर्स ऑफ द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, ये इसकी डेफिनेशन है. अब हम इसकी एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे. ये जो एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. फर्स्ट इज शी बैक्ड द कुकीज फॉर हरसेल्फ. शी कुकीज किसके लिए उसने किए हैं, हरसेल्फ खुद के लिए. द लायन सॉ इटसेल्फ. लायन के लिए हम इटसेल्फ लगाएंगे क्योंकि लायन और जानवरों के लिए हम इट वर्ड यूज करते हैं. ठीक है ना, रेहा लड़की है तो हरसेल्फ. ठीक है, फिर यहां पर शी है तो फिर हरसेल्फ.
और उसके बाद डॉक्टर ट्रीटेड हिमसेल्फ, डॉक्टर एक व्यक्ति है, ही है वो, इसके लिए हमको हिमसेल्फ। आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज माई सेल्फ, आई है तो माई सेल्फ, यहां पर भी आई है तो माई सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ। अ 5 ईयर ओल्ड बॉय मेड अ पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, कोई लड़का है वो ही है तो ही के साथ हिमसेल्फ, माई पेरेंट्स तो देम सेल्फ आएगा, ठीक आया समझ में। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। ओके।